जय मसीह की। यीशु नाम सत्संग, आप सबको प्रणाम। हमारा परमेश्वर महान है और हम सब एक बार फिर से इस समय एकत्रित हैं अपने अपने घरों में, लेकिन एक 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 साथ हम एक उद्देश्य से हम बैठे हैं अपने अपने घरों में, अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप पर ये यीशु नाम सत्संग चलाकर सब देख रहे हैं, क्योंकि हम मिलकर अपने प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो समय पर 6 बजे आए हैं, तो आपके लिए हम ताली बजाते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप समय पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए जमा हुए हैं, और परमेश्वर हमें बुलाता है इस समय उसकी आराधना करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए वो हमें बुलाता है। विशेष रूप से इस कोरोना वायरस के दिनों में हो, वो हमें बुलाता है अपने पास कि हम लौट आएं अपने मुक्तिदाता के पास और प्रभु से प्रेम करें। सब चीज़ों से बढ़कर हम प्रभु से प्रेम करें। हमारा प्रभु कितना महान है, जो हमें बार बार अवसर देता है, बार बार हमें मौका देता है कि हम उसके पास लौट आएं और उसकी तारीफ करें और पश्चाताप करें और जीवन पाएं और शांति पाएं, जो हर परिस्थिति में यीशु के चरणों में हमें मिल सकती है। आइए अपनी आंखें बंद करें। परमपिता, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें बुलाया। आज की इस आराधना में हम सचमुच आत्मिक आनंद को पाएं, और सुनने वाला हर एक जन जो सुनने वाला, आराधना में जुड़ने वाला, प्रभु आत्मिक आशीष पाए और तेरा नाम महिमा पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मिलकर इस गीत को गाएं, यीशु बुलाता है। पंडित हो या पामर,
अमीर हो या गरीब, सबको यीशु बुलाता है। अमीर हो या गरीब, सबको यीशु बुलाता है। फिर से गाइए, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। अपनी आंखें बंद करें और कहें, प्रभु मैं तेरे सामने आ गया हूँ। अपनी आंखें बंद करके बोलें, प्रभु मैं तेरे सामने आता हूँ, और पश्चाताप करें। और श्वेता बहन पश्चाताप की दुआ में हमारी अगुवाई करें। इस संसार की बहुत सी चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह आप हमें बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम संसार में खो जाते हैं मेरे यहोवा, लेकिन आप हमें बुलाते हैं मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर। इस संसार में कोई नहीं जो हमें कीचड़ से, गंदगी से उठा के अपने करीब रखता है। आप हैं मेरे प्रभु जी। इस वक्त हम अपने दिलों को खोल कर, अपनी अपनी आँखों को परमेश्वर, अपनी नज़रों को आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर। अपने पूरे दिल से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से यीशु मसीह आपको पुकारते हैं। हम पापी हैं यहोवा राजा, हम किसी योग्य नहीं, हम कीड़े सरीखे हैं पिता प्रभु जी। परमेश्वर हम किसी योग्य नहीं परमेश्वर, हम आपसे अपने सारे गुनाहों की, जो हमने जाने में किया, अनजाने में किया पिता परमेश्वर, हम उन सभी पापों को आपके सामने रखते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं यहोवा राजा। परमेश्वर प्रभु जी, आपसे बढ़कर कोई नहीं मेरे यहोवा। आप हमारे उन सभी देखे अनदेखे पापों को क्षमा करिए यहोवा राजा। हमारे दिलों को, मनों को यीशु मसीह हमसे पाप की ओर लगाए मेरे प्रभु। हमारी नज़रें आपकी ओर लगाए पिता प्रभु जी, संसार से नज़रें हटा के परमेश्वर आपकी ओर लगाए पिता प्रभु, क्योंकि आप हमें बुलाते हैं यहोवा राजा। आप हमें बेटा बेटी कहकर बुलाते हैं प्रभु जी। इस संसार की गंदगी से हमें उठाकर अपने पास बुलाते हैं प्रभु। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी मेरे यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु, आप हमें बुलाते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। हम गंदगी में पड़ जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें बुलाते हैं, हम कभी नहीं आप हमें छोड़ते मेरे यहोवा परमेश्वर। अपने सभी पाप को आपके चरणों में लेकर आते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, आपसे सबके नाम में मांगते हैं। जब प्रभु हमें बुलाता है तो उसके पीछे हम चल सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं उसकी बुलाहट पर, क्योंकि वो जिसको बुलाता है उसे कभी छोड़ता नहीं। उसके बाद ही इज़ वर्थ इट कि हम उसको फॉलो करें। वो इस योग्य है कि हम उसको अनुसरण करें, उसका उस पर भरोसा करके, उसके शब्दों पर, उसके बातों पर, उसके वायदों पर, उसके वचनों पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका और मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आइए हम गीत गाएं, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको हो, क्योंकि मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास ना होगी, हाँ मुझे भूख प्यास ना होगी, मेरा यीशु मसीह
है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, ओ इस राह में थकन ना होगी, इस राह में थकन ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, 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 मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे, मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत हो, क्योंकि मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, एक बार फिर से, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए, 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 जय हो जय हो जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा, हमको बचाने वाले, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हाँ जय हो सदा के लिए, 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 जय हो जय हो, जय हो सदा के लिए, 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को प्रभु के सामने लेकर के आओ, अपने दुखों, अपने पीड़ाओं, अपने कष्टों, अपनी बीमारियों, अपनी चिंताओं समेत, अपने टूटेपन के समेत प्रभु के सामने आ जाएं। वही है छिपने की जगह, वही है जहां आराम मिलता है, वही है जहां हमें आशा और भरोसा मिलता है, वही है जो जीवन देने वाला है, वही जो बहुतायत का जीवन देने वाला है, वही है जो हमारा हमेशा का साथी है, उसी का नाम लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए सब लोग, और इस समय अपने सारे दुखों, सारी परेशानियों, सारे जो डर है, जो भी
चीजें आपको विचलित करती हैं उनको लेकर के प्रभु के सामने आओ। वो योग्य है भाइयों बहनों, वो सच्चा मित्र सच्चा साथी है, उसका नाम ले लीजिए, वो भला है। साथ रहना मेरे प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। मेरे साथ रहना मेरे प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah। दुख के आंसुओं में मेरी माँ बन जा, तरस खाने वाला मेरा बाप बन जा। आप बन जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रात के अंधेरों में तू ज्योति बन जा, मौत की इन वादियों में जिंदगी बन जा। रात के अंधेरों में तू ज्योति बन जा, मौत की इन वादियों में जिंदगी बन जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ रहना मेरे प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। मेरे साथ मेरे प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। आसमां और इस जमीन पे तू ही है हर सू, कैंसर टीबी एड्स को तू पल में करता दूर। आसमां और इस जमीन पे तू ही है हर सू, कैंसर टीबी एड्स को तू पल में करता दूर। हालेलुया, 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 इस समय रुक कर हम सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सचमुच हर एक बीमारी का छुटकारा तेरे पास है, हर एक बीमारी की चंगाई प्रभु तेरे नाम से मिल जाती है। प्रभु इस समय जो मौत की वादियों में हम पड़े हुए हैं प्रभु जी, हमारे हर तरफ प्रभु लाखों मौतें हो रही हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कोरोना वायरस की के से जूझ रहे इस समय जितने भी लोग हैं प्रभु, उन पर दया कर, तेरे नाम से उन्हें चंगाई मिले प्रभु। खुदावन तू उन्हें धीरज दे, सांत्वना दे और तू उन्हें चंगाई दे, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तमाम लोगों पर प्रभु जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, खुदावन तू अपना हाथ रख, तू उनको छू ले और उन्हें चंगाई दे, हम दुआ करते हैं। हमारे विश्व से ये महामारी का साया हट जाए खुदावन, जो असंभव दिख रहा है वो यीशु तेरे नाम से संभव हो जाए,
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू दया का सागर है, तू दया कर। हालेलुया, हालेलुया। कलिसिया, आप सबको जय मसीह की। कुछ सूचनाएं हम आपको देना चाहते हैं, साधारण सूचनाएं हैं, लेकिन आप दोबारा से ध्यान से सुनिए कि हम हर बुधवार को शाम को 7 बजे जूम के जरिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें आप सब जरूर शामिल हों। आप हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे 45 मिनट के लिए बाइबल स्टडी होती है, उसमें भी जूम के जरिए आप ज़रूर शामिल होइए। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक पारिवारिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों को किस प्रकार परिवार में संभाला जाए, खर्च किया जाए, बचाया जाए, किस प्रकार कर्जों से निकला जाए, उसके बारे में हमने एक सेशन लिया था। उस पर जो किताब हमने बनाई है वो आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल चुकी होगी अब तक, और अगर आपको नहीं मिली है तो आप हमसे मांगिए, हम आपको वो छोटी सी किताब आपके फ़ोन पे भेज देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद चाहिए आपके फाइनेंसेस को में आपकी मदद करने के लिए, कि किस प्रकार कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाए, या एक बजट बनाने के लिए, बचत करने के लिए, अगर इस प्रकार कोई सहायता अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करें, और हम 4-5 लोग हैं जो आपके पारिवारिक फाइनेंसेस में सब कुछ एक प्रबंध बनाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और इसमें हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम वचन से पढ़ेंगे मरकुस 6 उसका 30-44 तक। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्हें किया और सिखाया था सब उसको बता दिया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए, और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पाती पाती बैठ गए, और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी, और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से बाहर टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। जय मसीह की आप सब लोगों को जो आज का वचन सुन रहे हैं। आज का वचन प्रचार करने से पहले मेरे मन में, जब से ये प्रचार मैं तैयार कर रहा हूँ, वो मुझे एक डांस याद आता है जो हमारे बच्चों ने किया था, 5 रोटी 2 मछलियाँ, और बड़ा खूबसूरत डांस था, और हमारे बच्चे उस गाने पे 1-2 बार डांस कर चुके हैं, और बड़ी रोचक वो कहानी है बाइबल में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 पुरुषों को खाना खिलाते हैं। लेकिन बाइबल केवल 5,000 पुरुषों का नाम लिखती है, पुरुषों के बारे में बताती कि आदमी लोग 5,000 थे। अगर वो तकरीबन सब शादीशुदा थे तो उनकी एक एक पत्नी, 2-2 बच्चे, तो मतलब
20,000 लोग वहां पे थे, 15,000 से 20,000 लोग वहां पे थे, और इतने लोगों को प्रभु ने केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से प्रभु ने खाना खिलाया। इतनी अद्भुत ये कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम इस कहानी को केवल एक चमत्कार सोचकर हम छोड़ दें और इसके पीछे जो गहरे शिक्षा है वो शायद हम ना पकड़ पाएं। और हम चाहते हैं कि आज इस शिक्षा में हम इस कहानी से हम गहरी शिक्षा को हम प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि मरकुस अपने सुसमाचार में कहानियों को केवल कहानियों के रूप में नहीं लिखता, या आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं लिखता, या यीशु चमत्कार कर सकता है इतना ही बताने के लिए चमत्कार नहीं लिखता। मरकुस का अपना सुसमाचार लिखने का उद्देश्य है कि उसका सुसमाचार पढ़ने वाला प्रभु यीशु मसीह को जान सके। मरकुस के पहले भाग में बहुत सारी घटनाओं के द्वारा वो प्रस्तुत करता है यीशु कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और मरकुस के दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को विस्तृत रूप से वो लिखता है, बड़े डिटेल में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में लिखता है, ये बताने के लिए कि ये यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस संसार में पापियों के लिए अपनी जान देने के लिए आया। लेकिन आज की जो कहानी है ये हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन के अपने जीवन को और अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को संपूर्ण रूप से यदि हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो उन हमारे छोटे से जीवनों के द्वारा, हम जैसे छोटे लोगों को और हमारी छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को पूरा कर सकता है। इस कहानी में ये हो रहा है कि यीशु मसीह का जो चचेरा भाई था या मौसेरा भाई था, उसका सर काट दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका सर काट दिया गया, और यीशु मसीह के दिल में अपने भाई को खोने का दुख है, और यीशु मसीह उस दुख को लेकर अपने मन में चल रहे हैं। इस कहानी के समय जो हम अभी हमने कहानी जो सुनी है, इस कहानी के इर्द गिर्द ये हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह के भाई की मृत्यु हो गई थी, और बहुत बुरी मृत्यु हुई थी, सर काट दिया गया था। और ऐसे में यीशु मसीह के चेले, जिनको यीशु मसीह ने भेजा था कि जाओ और मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ, और वो गए और लिखा कि उन लोगों ने पश्चाताप करो करके प्रचार किया और चमत्कार किए और दुष्ट आत्माओं को निकाला, अब वो वापस आ गए हैं। और वापस आने के बाद वो यीशु मसीह को सब कुछ बताते हैं कि वहाँ पर हम जब सेवा करने के लिए गए थे वहाँ क्या हुआ, वहाँ कैसे हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लिखा है प्रेरित, यीशु के प्रेरित मतलब चेले यीशु के पास आकर एकत्रित हुए और जो कुछ उन्होंने किया तथा सिखाया था सब कुछ का वर्णन किया। यीशु मसीह को बताया, यीशु मसीह हमने ऐसा किया प्रभु, हमने वो चमत्कार किया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को बताने लगे। यीशु ने उनसे कहा, आओ और एकांत में चलकर कुछ देर विश्राम करो। यीशु मसीह अपने भाई के दुख में भीड़ से अलग हटकर कुछ समय तक दुख मनाने के लिए एक जगह पे अलग से जा रहे थे। और यीशु मसीह जानते थे कि उनके चेले भी बहुत थके हुए हैं, क्योंकि ये लोग मिशन ट्रिप से वापस आए हैं, सेवा करके वापस लौटे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो और हम आराम करते हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कि वो एक ऐसे स्थान पे थे जहाँ पर कोई नहीं था। लिखा है उसने उनसे कहा, आओ और एकांत में चलकर कुछ देर विश्राम करो, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे, यहाँ तक कि उनके पास भोजन करने का अवसर उनको नहीं मिलता था। तो वो अकेले नाव पर चढ़कर एकांत में चले गए। लेकिन मालूम है क्या हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एकांत में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ, 33 पद में लिखा है, और लोगों ने उन्हें जाते देखा और बहुतों ने उन्हें पहचान लिया, और सब नगरों से लोग पैदल दौड़कर उनसे पहले ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर यीशु मसीह जाने वाले थे। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह अकेले में कुछ समय बिताने के लिए लोगों से भीड़ से अलग होना चाहते हैं, अपने चेलों को अपने साथ लेकर एकांत में कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, लोगों को पता चल गया यीशु मसीह वहां जाने वाला है, लोग पहले वहां पहुंच गए, अलग अलग नगरों से लोग पैदल वहां पहुंच गए हैं, तो यीशु मसीह ने 34 में देखिए क्या लिखा है, और नाव से उतरकर उसने विशाल जन समूह को देखा और उन पर उसे तरस आया, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा।
यीशु मसीह के दिल में दुख है, यीशु मसीह के दिल में पीड़ा है, क्योंकि उसके भाई को मार दिया गया। यीशु अपने चेलों को लेकर आराम करने के लिए, कुछ समय शांत में रहने के लिए अलग जाने लगा। जब वो वहाँ पे गया तो लोग पहले से ही वहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि लोगों को यीशु मसीह की आवश्यकता है, लोग यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं। और हमने देखा कि लिखा है यीशु मसीह ने भीड़ को इनकार नहीं किया, यीशु मसीह ने भीड़ को स्वीकार किया, और भीड़ को देखकर यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि वो लोग ऐसी भीड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। आज के इस खंड से, जो इस कहानी से जो पहली ही शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, वो ये है कि यीशु भटके हुए और खोए हुए और टूटे हुए लोगों के लिए, यीशु के पास बहुत सारी करुणा है। टूटे हुए लोग, दुखों में पड़े हुए लोग, भटके हुए लोगों के लिए यीशु के पास बहुत सारी करुणा है। और सोचिए, यीशु के दिल में खुद दुख है क्योंकि उन्होंने अपने भाई को खोया है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों का उसने स्वागत किया, और क्या लिखा है, बहुत कुछ उन्हें सिखाने लगा। यीशु मसीह ने उनको शिक्षा देने लगा। जबकि यीशु मसीह थके हुए हैं, दुख में हैं, उनके चेले थके हुए हैं, लेकिन जब भीड़ को देखा तो उनको भीड़ पर तरस आया, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को देखकर, यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। और ये लोग हैं, इनकी दुर्दशा बहुत बुरी है, इनकी जो कंडीशन बहुत खराब है, ये सचमुच भटके हुए, सच में दुखों से भरे हुए लोग हैं। तभी तो लिखा है कि वो बाय फुट, मतलब पैरों पे चलकर, खुद चलकर पहुंचे हैं, अलग अलग नगरों से पहुंचे हैं। आज आप और मैं बहुत बड़ी सुविधा के ज़माने में रहते हैं, हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हमारे पास गाड़ी है, कहीं पहुंचने के लिए हमारे पास बसों का प्रबंध है, ट्रेनों का प्रबंध है, हम एक बहुत सुविधा वाले ज़माने में रहते हैं। और जितनी हमारे पास सुविधाएँ हैं, उतना ही हम प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। ये लोग पैदल चलकर प्रभु से मिलने के लिए पहुँच सकते हैं, और आप और मैं बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम समय पर चर्च नहीं आ सकते हैं। आजकल तो चर्च भी हमको नहीं आने को अलाउड है, तो हम घरों के अंदर, हमको मालूम है कि 6 बजे हमारा सत्संग शुरू होता है, तो हम 6 बजे अपने घरों में भी, हम 6 बजे यूट्यूब खोलकर समय से परमेश्वर का आदर करने के लिए और महिमा आराधना करने के लिए हम समय पर बैठने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इन लोगों से सीखिए जो पैदल प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने पहुंच गए हैं, क्योंकि ये लोग दुखों में पड़े हुए लोग हैं, ये लोग डेस्परेट हैं, इन लोगों की कंडीशन बहुत बुरी है, और यीशु मसीह ने उनका स्वागत किया, और लिखा है उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया। अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप बिखरे हुए हैं, अगर आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, तो पहला काम जो आपको करना है वो है यीशु के पास आ जाना है। सबसे पहला काम आपको यही है। आपको सारे सवालों का जवाब नहीं ढूंढना, आपको सारे मुसीबतों का उत्तर नहीं ढूंढना, आपको सारी परेशानियों का हल नहीं ढूंढना। अगर आप अपने आप को टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अगर आप अपने आप को परेशान और चिंतित पाते हैं, तो पहला कदम जो आप उठा सकते हैं आपके आत्मा और आपके अंदर की शांति के लिए, वो ये है कि आप शांति के राजकुमार के पास आप आ जाएं, आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। आप अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करने में खुद ना जुट जाएं, लेकिन सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना सर झुका लें और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लें, और फिर यीशु मसीह आपको सिखाएगा। यहाँ पे लोग अलग अलग चिंताओं से, बीमारियों से, परेशानियों से चिंतित लोग, भीड़ों की भीड़ यीशु मसीह के पास आई है। लेकिन मैं सोचने लगा, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि यीशु मसीह उनको सिखाने लगा। तुरंत यीशु मसीह ने उनके लिए चमत्कार करना शुरू नहीं किया, यीशु मसीह उनको सिखाने लगा। अगर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, अगर आप दुखों में पड़े हुए हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, और आप अगर यीशु मसीह के पास आए हैं, तो सबसे पहले यीशु से सुनिए, यीशु से सीखिए, यीशु का वचन सुनिए, यीशु की वाणी सुनिए, यीशु की बातों को जानिए, यीशु कौन है ये जानिए। यीशु मसीह उनको सिखाने लगा, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं, तो ध्यान रखिए, यीशु आपको स्वीकार करेगा और फिर यीशु आपको सिखाएगा अपने बारे में। मैं कौन हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरी समस्याओं को जानता हूँ, मैं तेरे पापों को माफ करने के लिए दुनिया में आया, मैं तुझे अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु आपको सिखाएगा। क्या आप यीशु की शिक्षा के लिए गंभीर हैं? क्या आप यीशु मसीह से सीखने के लिए गंभीर हैं? क्या आप यीशु मसीह के बारे में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं?
यीशु के पास बहुत बड़ी दया है, दुखे दुखी लोगों के लिए, टूटे हुए लोगों के लिए, बिखरे हुए लोगों के लिए। यीशु करुणा का सागर है, दया का सागर है, और आपको बुलाता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और आप जब आएंगे तो वो आपको शिक्षा देगा, अपनी गहरी बातें बताएगा, स्वर्गराज की बातें वो आपको बताएगा। जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, हम टूटे ही रहेंगे। जब तक हम प्रभु के पास नहीं पहुंचेंगे, हमारी हालत वैसी की वैसे ही रहेगी। जब तक हम यीशु को अपना चरवाहा ना मान लें, तब तक हम भटकेंगे। जब तक हम यीशु मसीह को अपना चरवाहा ना मान लें, तब तक हम अवश्य भटकते रहेंगे। पर यदि हम सचमुच में टूटे हुए हैं, तो आज आपसे आह्वान है, प्रभु के पास आइए, यीशु मसीह के पास लौट आइए। भजन संहिता उसके 34 के 18 में लिखा है, टूटे हृदय वालों के वो नजदीक रहता है, जिनका दिल टूटा हुआ होता है उनके वो नजदीक रहता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो यीशु मसीह के पास ये लोग आए और यीशु मसीह ने उनको सिखाने लगा, और उसके बाद क्या हुआ, दिन भर वहां बीत गया। और देखिए जो चेले हैं यीशु मसीह से क्या कहने लगे, सब लोग ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह उनको सिखाने लगा, जब दिन बहुत ढल गया, जब शाम होने लगी, तो उसके चेले उसके पास आकर उसको कहने लगे, ये स्थान सुनसान है और दिन बहुत ढल चुका है। जो स्थान था वो सुनसान क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह एकांत में गया था, एक ऐसी जगह पे गया था जहां बाजार नहीं है, जहां मोहल्ला नहीं है, जहां भीड़ भड़क्का नहीं है, एकदम शहर के बाहर वाले इलाके में चला गया जहां कोई नहीं है, एकदम वीरान सुनसान जंगल समान एक स्थान में चला गया। तो लोग वहां पहुंच गए यीशु मसीह से सुनने के लिए, यीशु मसीह से अपनी बीमारियां दूर करवाने के लिए, यीशु मसीह के पास लोग पहुंच गए। यीशु मसीह उनको सिखाने लगा, शिक्षा अपने YouTube के जो सत्संग चलता है उसमें एक घंटे की शिक्षा नहीं थी, दिन भर यीशु बोले और लोग सुनते रहे। आज अगर पास्टर 30, 35, 40 मिनट प्रचार कर ले तो फिर लोग घड़ी देखना शुरू हो जाते हैं, प्रचार कब खत्म होगा। लेकिन जब यीशु ने प्रचार किया तो लोग सुनते गए। लेकिन जब शाम हो गई तो क्या लिखा है, ये स्थान सुनसान है, चेलों ने कहा यीशु मसीह से, और दिन बहुत ढल चुका है, इन्हें जाने दे कि वे आसपास की बस्तियों में और गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद सकें। देखिए एक समस्या चेलों के सामने आई, लेकिन चेलों का रवैया क्या था, चेलों का रवैया क्या है, समस्या से भागना उनके लिए साधारण सी बात थी। आज की दूसरी शिक्षा आप स्क्रीन पे देखिए, हम मनुष्यों में चुनौतियों से भागने की एक प्रवृत्ति होती है, हम लोग चुनौतियों से भागना चाहते हैं, हम लोग हमारे सामने जो मुश्किलें आती हैं, जो कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं उससे भागने के लिए हम हमेशा कारण ढूंढते हैं, हम हमेशा उनसे भागना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो हम सामना नहीं कर पाएंगे, हम इसका उत्तर नहीं निकाल सकते, ये समस्या बहुत बड़ी है, इसका समाधान मैं निकाल नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, और हम अपनी समस्याओं से भागना चाहते हैं, हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, हम उस समस्या के बारे में पीछे हट जाएंगे और हम कहेंगे वो कर लेंगे, वो पास्टर कर लेंगे, वो भैया कर लेंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं बनती है। चेलों ने कहा प्रभु इनको जाने दे, ये बहुत सारी इनको भूख लगी होगी, प्रभु इनको तू जाने दे अब। और चुनौतियों से भागने की एक प्रवृत्ति है जो हम मनुष्यों के अंदर होती है। और यीशु और चेले यहां पे आप देखिए कि चेले लोगों को यीशु मसीह को सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने उससे कहा क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और उन्हें खाने को दें? प्रभु तू हमसे कह रहा है, प्रभु ये संभव नहीं है, ये हजारों की संख्या 20,000 लोग यहां जमा है, प्रभु बहुत पैसा लग जाएगा, मत पंगा लो प्रभु जी, इनको जाने दो। समस्याओं से भागने की अपने लेकिन यीशु मसीह उनको छोड़ेंगे नहीं। 37 में लिखा है, इसमें लिखा है परंतु उसने उत्तर देते हुए कहा तुम इन्हें कुछ खाने को दो। तुम्हें इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाने के लिए तुमको समस्या नजर आ रही है, तुम इसके बारे में कुछ करो, समस्या से भागो मत, तुम समाधान निकालो। यीशु मसीह उनको दिखाना चाहते मत भागो, मत किनारा काटो, मत बहाने बनाओ। बहुत बार
हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम उससे भागना चाहते हैं, उसका सामना हम नहीं करना चाहते। हम भूल जाते हैं कि हम लोगों को, हम जहां रहते हैं, हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में, हमारी कलीसिया में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, और हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने आपको और मुझे इस धरती के नमक कहा है। नमक स्वादिष्ट बनाता है खाने को। अगर हम इस धरती के नमक है, मतलब इस धरती पे रहने वाले लोगों के जीवन में एक आशीष को हम लेकर आएंगे। एक अंधकार में हम ज्योति बनकर काम करेंगे। जहां पे निराशा है वहां आशा के रूप में एक मसीही जन खड़ा हो जाएगा और लोगों को आशा का वचन देगा और मेहनत करेगा और लोगों के लिए रास्ता निकालेगा। लेकिन यहां पर चेले समस्याओं से भागना चाहते हैं। कलीसिया के लोग, आप ना भूलें कि प्रभु ने आपको जगत की ज्योति कहा है, प्रभु ने आपको इस धरती का नमक कहा है, प्रभु आपके द्वारा इस संसार में कुछ खूबसूरत, कुछ अच्छा करना चाहता है। यह संसार जो भटका हुआ, यह संसार जो पाप में पड़ा हुआ, यह संसार जिसके पास आशा नहीं है, यह संसार जहां दुख और भ्रष्टाचार और बुराई और हर एक बुरी चीज से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ यह संसार है, इंतजार कर रहा है कि कोई उठे और उन्हें आशा का संदेश दे, कोई हो जो उनके लिए कुछ करे, कोई हो जो उनकी उनकी सुधी ले। और वो लोग आप हैं। किसी ने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पैर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का मुंह हैं, अगर हम नहीं दूसरों की सेवा करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन दुख की बात है कि मसीही लोग भी स्वार्थ में जीते हैं, मसीही लोग भी केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, और अपनी जीवन की चुनौतियां, चाहे वो हमारे जीवन की हो, चाहे हमारे सामने किसी और की चुनौतियां हो जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, उससे भी हम किनारा काटना चाहते हैं और हम भागना चाहते हैं। इन दिनों में जब कोरोना वायरस की महामारी हर जगह फैली हुई है, आप किस प्रकार अपने पड़ोसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? आप किस प्रकार अपने समाज या अपने गांव या अपने मोहल्ले के लिए आप किस प्रकार आशीष बन रहे हैं? किस प्रकार आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं? लेकिन हमारी जो नेचुरल, जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है हमारे अंदर, वो चुनौतियों से भागने की है। यीशु मसीह उनको शिक्षा देने लगा, लेकिन यीशु मसीह ने उनको केवल शिक्षा देकर भेज नहीं दिया। तीसरी शिक्षा को सुनिए, आज की तीसरी जो बात है, यीशु केवल लोगों को सिखाते ही नहीं थे, वे लोगों की सब जरूरतों को समझते थे। यीशु लोगों को केवल शिक्षा ही नहीं देते थे, यीशु मसीह लोगों की सब जरूरतों को समझते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। यीशु मसीह उनको जांच रहे थे, परख रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे कि जो उत्तर है वो तुम्हारे मध्य है, बाहर नहीं है। उत्तर यहीं मिलेगा, तुम बाहर ढूंढते हो, उत्तर तुम्हारे पास है। इसलिए 38 में यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां। यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ पहले पता करो तुम्हारे पास क्या है। और उन्होंने पता लगाया कि उनके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी आवश्यकता है, प्रभु जानता है। यकीन करें, प्रभु जानता है, विश्वास करें। लेकिन जब हमें पता चला किसी और की जरूरतों के बारे में, जैसे चेलों को पता चला कि लोग भूखे हैं, उसके बारे में चेलों का रवैया क्या था? किनारा काट लो, जिम्मेदारी मत उठाओ, कुछ मत करो, तुम प्रयास मत करना। और उसी प्रकार हमारा भी रवैया होता है। जब हम किसी की समस्या के बारे में जानकारी हमको पता चलता है, तो हमें लगता है मेरा इससे क्या लेना देना, ये प्रार्थना करेगा प्रभु इसको देगा, या ये पास्टर से पूछ सकता है, पास्टर के पास बहुत पैसा है, पास्टर इसको दे देगा, हमारा इससे कोई मतलब, हम क्या करें, हम तो खुद ही गरीब हैं। और इस प्रकार हजार बहाने बनाने का पाप मसीही लोग करते हैं। जब सामने वाले की समस्या के बारे में हमें पता चलता है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती है किसी और की समस्या के बीच में, योगदान देने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। यीशु मसीह लोगों की हर प्रकार से चिंता करता है। लेकिन जब हमें लोगों की समस्याओं के बारे में पता चलता है, तो हम क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे, भैया हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम यहीं पे शांत हो जाते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और बस यहीं पे हमारा। और कभी कभी तो हम बोलकर कि हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करते भी नहीं है। बहुत बार हमारा उत्तर, लोगों की, सामने वाले की समस्या का उत्तर आपके अंदर आपकी प्रार्थना से बढ़कर होता है। ध्यान से सुनिए,
आपके सामने वाले की समस्या का जो उत्तर है वो आपके अंदर है, और वो उत्तर बहुत बार प्रार्थना से बढ़कर होता है। कुछ और है जो आप प्रार्थना के साथ साथ जो एक्शन जो आप ले सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, लेकिन हम रुक जाते हैं क्योंकि हम स्वार्थी लोग हैं। अब आप कहेंगे, पास्टर मैं गरीब आदमी हूं, मैं गुड़गांव जैसे शहर में, महंगे शहर में 15,000 रुपए कमाता हूं, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? अगर हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो शुरुआत में इस चीज को मान लेना एक्चुअली सही बात है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं छोटा मनुष्य हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, एक्चुअली ये मानना एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छी बात है कि हम जाने कि हम छोटे लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपने समझ से और अपनी मेहनत से किसी को क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर वहां से बढ़कर प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। ये नम्रता, जहां तक कि हम इसको विनम्रता के रूप में हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये अच्छी बात है, लेकिन जहां ये हमारे लिए बहाना बन जाता है, वहां पर परमेश्वर की दया आपके ऊपर नहीं है। वहां पर हम परमेश्वर को हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं ये बोलकर प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां पर अगर हम सचमुच, ये बात सच है कि हम छोटे लोग हैं, साधारण लोग हैं, और हमारे पास ज्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन हम ये ध्यान रखें परमेश्वर छोटे लोगों को बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर छोटे लोगों को बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। वो किस प्रकार इस्तेमाल करता है, कैसे वो इस्तेमाल करेगा, यहां से हम अपनी अगली शिक्षा को आज प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिए, यदि हम चाहते हैं कि यीशु हमें इस्तेमाल करे, यदि हम यीशु के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं, तो हमें स्वयं समेत अपना सब कुछ उसको देना होगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यदि हम यीशु के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं, तो हमें स्वयं समेत अपना सब कुछ उसको देना होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पे गिरकर मर ना जाए, तब तक वो अकेला ही रहता है, बट अगर वो मर जाता है तो बहुत सारा फल लेकर आता है। जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पे गिर के मर ना जाए, वो अकेला ही रहता है, बट जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लेकर के आता है। ये आपके और मेरे जीवनों पर भी लागू होता है। जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों में पूरी तरह से समर्पण नहीं कर देंगे, हम प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए नहीं जा सकते हैं। प्रभु हमें इस संसार में अपना कार्य करने के लिए, प्रभु इस संसार में भटके हुओं को आशा पहुंचाने के लिए, प्रभु इस संसार में दुखी लोगों को सांत्वना पहुंचाने के लिए, प्रभु इस संसार में मर रहे लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए आपको तब तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक आपने पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं कर दिया है। और जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देंगे, जब आप अपने आप को मारकर, अपनी सारी इच्छाओं को मारकर, जब आप अपने दर्शनों को खत्म करके, जब आप अपने सपनों को खत्म करके, परमेश्वर के सपने को स्वीकार करके, जब आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। तब इस संसार में आप दूसरों के दुखों के लिए इस्तेमाल किए जाओगे कि प्रभु आपकी मेहनत से दूसरों के दुखों को दूर करे। जब निराश लोगों के बीच में परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों के द्वारा आशा और खुशियां लेकर के आएगा, जब पापी लोग आपके मुंह से सुसमाचार सुनकर जब पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे, तब कब होगा ये तब होगा जब आपने अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए पूरी रीति से समर्पण कर दिया। लेकिन अगर आप अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा खुद अपने पास रखना चाहते हैं, मैं इसको एंजॉय करूंगा, मैं मन मर्जी करूंगा, मेरे भी कुछ सपने हैं, तो वहां पर परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि हम चाहते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करे, तो स्वयं समेत अपना सब कुछ हमें उसको देना होगा। आज आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण कर दिया है? क्या आप अभी भी डाउट करते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं कर सकते और आप परमेश्वर के राज्य में सेवा नहीं कर सकते? क्या आप डाउट करते हैं कि आप एक छोटे मनुष्य हैं और आप किसी चीज के लायक नहीं हैं?
क्या आप इस बात पर शक करते हैं कि आपके जीवन की छोटी छोटी चीजों से परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता? परमेश्वर ने उस लड़के के पास जो 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने 5,000 पुरुषों और उसके बीवी और बच्चों को 15,000 से 20,000 लोगों को प्रभु ने खाना खिलाया, किसके द्वारा? उस छोटे से बच्चे के पास जो 5 रोटी और 2 मछलियां थी, मात्र उसके द्वारा। आपके जीवन की छोटी छोटी चीजों के द्वारा प्रभु हजारों को आशीष दे सकता है। क्या आप अपने जीवन की छोटी सी चीज प्रभु को देने को तैयार हैं? क्या आप अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? अगर आपको परमेश्वर सेवा के लिए बुला रहा है, क्या आपने उसकी आवाज को सुनकर आज्ञा मानकर अपना जीवन समर्पण कर दिया है? या आप आज भी इस संसार में होकर सांसारिक जीवन में ज्यादा व्यस्त हैं, अपने आप को मसीही कहलाकर भी केवल अपने खुद के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं? लेकिन अगर आप अपने आप को प्रभु के कामों के लिए समर्पित करेंगे तो प्रभु आपको अवश्य इस्तेमाल करेगा। इस हफ्ते मेरे साथ एक बहुत बहुत अद्भुत चमत्कार हुआ। मैं आपको सिर्फ आपको इसके बारे में बताकर कि आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं सारे गुड़गांव शहर के जितने भी 30-35 पास्टर लोग एक मीटिंग में शामिल थे, और वो सारे पास्टर लोगों की जो भी बातचीत हुई, मीटिंग हुई, उसमें एक पास्टर जो उड़ीसा के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे उड़ीसा में कुछ पास्टर लोग हैं, लगभग 75 पास्टर हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। उनको सरकारी पैसा मिला था 3,000 रुपया, वो ख़त्म हो गया और अब उनकी हालत बहुत बेकार है। ये पास्टर लोग खेत में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, साथ में प्रभु का भी सेवा करते हैं, और इन पास्टरों की हालत बहुत बुरी है। प्यारे भाइयों बहनों, उस दिन मेरे पास मात्र 30,000 रुपए थे ये खाना बांटने की सेवा के लिए। मात्र 30,000 मेरे पास, किसी ने कुछ एक दिन पहले मेरे पास आए थे, 30,000 रुपए। 75 पास्टर लोगों के घरों में खाना पहुंचाना है। मेरे मन में तुरंत आया, मैं कुछ करूंगा, हम कुछ ना कुछ मिल करके करेंगे। और मेरे पास मात्र 30,000 रुपए थे, 75 पास्टर लोगों की सेवा करने के लिए मैंने हाँ कर दिया। और मैंने मीटिंग के बाद उस पास्टर से व्यक्तिगत रूप से बात करी और मैंने कहा हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। मेरे हाथ में कितना था? मात्र, आजकल क्या होता है 30,000 रुपए में? आप 75 परिवारों को खाना खिला सकते हो 30,000 रुपए में? कुछ नहीं आएगा। लेकिन मात्र 30,000 रुपए 75 परिवारों को उड़ीसा में देने के लिए प्रभु ने प्रेरणा दी कि तुम करो। हाँ, हम करेंगे, हमने बोला। पैसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन 7,500 रुपया आया। जितना तुम्हारे पास है, क्या उतना तुमने प्रभु को दे दिया? अगर हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, पहले हमारे पास लाखों रुपया होना चाहिए, तब हम प्रभु की सेवा करेंगे। सेवा पैसों से नहीं होती, सेवा दिल से होती है, सेवा समर्पण से होती है, सेवा त्याग से होती है, सेवा बुलाहट से होती है, सेवा प्रार्थना से होती है, सेवा निर्भर होने से होती है। सेवा हमारे रिसोर्सेस पे, हमारे पास क्या है, उससे हमारी सेवा निर्धारित नहीं होती। हमें अपनी सेवा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, प्रभु उसे यूं बारिश के समान हमारे ऊपर फेंक सकता है। लेकिन हमने संसार की चीजों को, वस्तुओं को, पैसों को हमने सेवा करने के लिए मूलभूत समझ लिया है, जबकि मूलभूत चीजें नहीं है। मूलभूत हमारा दिल है, मूलभूत हमारी बुलाहट है, मूलभूत ये जो लोग हैं जो दुखों में पड़े हुए बाहर, जो हजारों लोग हैं जो अंधकार में पड़े हुए, ये हैं हमारी बुलाहट का मूलभूत, ना कि हमारा धन और हमारी बिल्डिंग और हमारा पैसा, ये मूलभूत नहीं है। जब 75 लोगों को सेवा करने के लिए हां बोला, 30,000 रुपए थे, अगले दिन 7,500 रुपए आ गए, उसके अगले दिन 2,00,000 रुपए आ गया, उसके अगले दिन कल शाम को 70,000 रुपए आ गया। पैसा आते जा रहा है। हम सेवा करने के लिए आगे बढ़ें। हम सोचते हैं पैसा हमारे आगे होगा तो हम सेवा करेंगे। ये परमेश्वर का ऑर्डर, परमेश्वर का तरीका नहीं है। हम सेवा के लिए आगे जाएंगे, पैसा हमारे पीछे आएगा। परमेश्वर ने आपसे जितनी सेवा ले लेनी है, वो सेवा वो आपसे अवश्य लेगा, अगर आप अपना पैर आगे बढ़ाएंगे तो। प्यारे मित्रों, अपने जीवन को अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन को वेस्ट मत करो। अपने जीवन को अपने वेस्ट मत कीजिए। अपनी जिंदगी को केवल अपने लिए जी करके, ये बहुत घटिया किस्म का जीवन है जिसमें हम केवल अपने लिए जीते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत है वो जीवन जिसमें हम दूसरों के लिए जीते हैं। परमेश्वर हमें सशक्त करता है, हम दूसरों की सेवा करते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है। पर अगर आप इस्तेमाल किए जाना चाहते हो,
अपना जीवन प्रभु के सामने घुटने टेक दो, पश्चाताप करो और बोलो, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ, तू मुझे कहाँ इस्तेमाल करेगा, मैं तेरी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। हमने सोचा कि हम 10 विधवाओं के घर में 5,000 रुपए देंगे, फिर हमने कहा नहीं हम 20 को देंगे, फिर हमने कहा नहीं हम 50 को देंगे। पैसा आ गया, पहले समर्पण आता है, पहले आपका फैसला आता है, पहले आपकी बुलाहट आती है। परमेश्वर हम में से छोटों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब इज़राइल के लिए राजा को चुना जा रहा था तो दाऊद के जो हट्टे कट्टे अच्छे दिखने वाले, अच्छा हर प्रकार का गुण कला रखने वाले, उन भाइयों को पहले प्रस्तुत किया गया, ये होंगे, लेकिन नहीं निकला कौन, वो छोटा सा बालक जो खेत में खाना लेकर जाया करता था, उसको प्रभु ने कहा ये राजा बनेगा। परमेश्वर छोटे छोटे लोगों को इस्तेमाल करना जानता है, परमेश्वर साधारण लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना जानता है और करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे? क्या आपने फैसला कर लिया है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे? आप कहते मेरा जीवन दुखों से भरा है, आप कहते मेरे जीवन में बहुत सारी निराशा है, मेरा मन दुखों से भरा हुआ है, मेरे जीवन में परेशानी है, बीमारी है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और हम अपने जीवन के दुखों के में इतना इतना दब जाते हैं कि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाना असंभव होता है। लेकिन मैं इस अंतिम शब्द के साथ समाप्त करने जा रहा हूं, यीशु हमारे टूटेपन के द्वारा हजारों को जीवन और आशीष दे सकते हैं। यीशु हमारे टूटेपन के द्वारा, जीसस कैन यूज अवर ब्रोकननेस टू ब्रिंग लाइफ एंड ब्लेसिंग टू थाउजेंड्स। यीशु मसीह हमारे टूटेपन के द्वारा हजारों को जीवन और आशीष दे सकते हैं। यहां 5,000 आदमी लोगों को खाना खिलाने के लिए यीशु मसीह ने किसको इस्तेमाल किया? छोटे से बालक को इस्तेमाल किया। उसका क्या इस्तेमाल किया? 5 रोटी 2 मछलियां, उसका लंच बॉक्स प्रभु ने इस्तेमाल किया और हजारों लोग खाना खा गए। प्रभु आपके छोटेपन को इस्तेमाल कर सकता है, लाखों करोड़ों को आपको आशीष का कारण बना सकता है। प्रभु को आपसे ज्यादा बड़ी चीजें नहीं चाहिए। यू नो वॉट, आपके पास है ही क्या, मेरे पास है ही क्या? प्रभु केवल और केवल हमारे हृदय की वफादारी को देखता है। प्रभु केवल और केवल ये देखता है कि उसके राज्य के प्रति क्या हमारा जोश है, क्या हमारा जुनून है उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके नाम के लिए। केवल वो इतना ही देखता है, ना कि आपका नाम, शक्ल, सूरत, धन दौलत, आपकी पढ़ाई लिखाई, वो कुछ नहीं देखता। वो आपका समर्पण होना देखता है। आपके पास जो कुछ भी है आज प्रभु को समर्पण कर दें, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। मूसा को प्रभु ने बुलाया, मूसा के पास केवल एक छड़ी थी और कुछ नहीं था उसके पास, और प्रभु ने उसी छड़ी से अनगिनत चमत्कार किए, उसी छड़ी से प्रभु ने अपनी महिमा को दिखाया। अन्य जातियों में प्रभु ने मूसा की छड़ी के द्वारा अपनी महिमा को दिखाया। आप अपने जो कुछ आपके पास है आप प्रभु को इस्तेमाल करें। आपका टूटापन आपको हजारों के लिए आशीष बनाने के लिए रोक नहीं सकता। आपका टूटापन हजारों को आशीष बनाने के लिए आपको रोक नहीं सकता। फ्रांसिस जेन क्रॉसबी नाम की एक महिला थी। वो अपने जन्म लेने के केवल 6 हफ्ते तक वो देख सकती थी। उसकी आंखों में हल्की सी कुछ जलन हुई और वो डॉक्टर के पास उसको ले गए। वो डॉक्टर सड़क छाप थैले वाला डॉक्टर था, उसे कुछ आता, अनपढ़ डॉक्टर था, नकली डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने उसकी आंखों में डालने के लिए कुछ पदार्थ दिया और पदार्थ को जब डाला तो उसकी आंखें बिल्कुल जल गई और वो अंधी हो गई, हमेशा के लिए अंधी हो गई। जब तक पता चला कि यह दवाई किस प्रकार की थी तो तब पता चला कि वो डॉक्टर नकली था, हमेशा के लिए वो अंधी हो गई। और आप जानते हैं कि उसने अपने अंधेपन होने के बावजूद उसने अपने जीवन काल में प्रभु की महिमा के लिए 9,000 गाने लिखे। 9,000 गाने लिखे, एक नहीं, दो नहीं, 9,000 गाने लिखे। और परमेश्वर ने उस अंधी महिला को ऐसा इस्तेमाल किया कि उसके मर जाने के अब लगभग 100 सालों के बाद आज भी हम उसके लिखे हुए गीतों को गाते हैं। इंग्लिश में है वो गीत, लेकिन पूरे दुनिया में वो गीत गाए जाते हैं। एक बार एक पास्टर ने कहा कि बहन, प्रभु ने तुम्हें कितना सुंदर वरदान दिया है, प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा है, पर प्रभु ने तुम्हें आंखें क्यों नहीं दी, प्रभु ने तुम्हें तुम्हारी आंखें ठीक क्यों नहीं की। उसका उत्तर सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा,
अपने जन्म मेरे जन्म होते वक्त अगर मैं एक इच्छा रखती तो वो इच्छा ये होती कि मेरा जन्म ऐसा ही होता कि मैं अंधी पैदा होती, क्योंकि मैं जानती हूं कि अंधेपन में जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तो सबसे पहला चेहरा मैं अपने मुक्तिदाता का देखूंगी। उसके लिए उसका अंधापन आशीष बन चुका था, उसके लिए उसका अंधापन दूसरों को 9000 गाने लिखकर करोड़ों लोगों तक उसने वो आशीष का कारण बन गई। आपके जीवन का टूटापन, आपके जीवन का छोटापन, आपके जीवन का बिखरा हुआ होना आपको संसार के लिए संसार में आशीष बनने से रोक नहीं सकता, जैसे इस महिला को नहीं रोका। और उसने कहा, ओ व्हाट अ हैप्पी सोल आई एम, मैं कितनी खुश हूं अंदर से, मैं देख नहीं सकती तो भी मैंने निर्णय ले लिया है, मैं प्रभु में संतुष्ट रहूंगी। वो निर्णय ले चुकी है, अंधी है, देख नहीं सकती, लेकिन फैसला कर चुकी है, मेरा टूटापन मुझे रोक नहीं सकता, ना प्रभु की महिमा करने के लिए, ना लोगों की सेवा करने के लिए। और आपका आपके टूटेपन में अगर आप समर्पित हो जाएंगे, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, तो आपके टूटेपन को प्रभु किस प्रकार आशीष देगा, आशीष बनाएगा मालूम है? प्रभु आपको उमड़ता हुआ प्याला के रूप में आपको इस्तेमाल करेगा। उमड़ता हुआ प्याला मतलब लबालब भरा हुआ है, बाहर निकल रहा है, इस प्रकार अधिकतर बहुत बढ़ चढ़ के वो आपको दूसरों के लिए आशीष बनाएगा। इसकी तस्वीर हमें कहाँ से मिलती है? कितने टोकरे बचे थे? 12 टोकरे बचे थे। एक छोटा सा लड़का, 5 रोटी 2 मछलियां समर्पित कर दिया, प्रभु को दे दिया। प्रभु ने उससे हजारों को खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद कितना खाना बचा? 12 टोकरे। यह है एक छोटा जीवन जब प्रभु के लिए समर्पित हो जाता है, प्रभु की महिमा के लिए बहुत बड़ा एक वो इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बन जाता है। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रभु आपको आशीष दे, आप अपने जीवन के दुखों में ना पड़े रहें, लेकिन अपने जीवन के दुखों में भी प्रभु की महिमा के लिए एक बहुत बड़ा यंत्र बन जाएं। आज हमने 5 चीजें सीखी हैं, खोए हुए, भटके हुए और टूटे हुए लोगों के लिए यीशु के पास बहुत करुणा है। हम मनुष्यों में चुनौतियों से भागने की एक प्रवृत्ति होती है। यीशु केवल लोगों को सिखाते ही नहीं थे, वो लोगों की सब जरूरतों को समझते थे। यदि हम यीशु द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं तो हमें उनको स्वयं समेत अपना सब कुछ देना होगा। और यीशु हमारे टूटेपन के द्वारा हजारों को जीवन और आशीष दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग अपना जीवन आज जैसा भी है प्रभु को समर्पण करें और प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। प्रभु को महिमा पहुंचाने के योग्य आप हो जाएंगे। प्रभु आपको आज के वचन के सुनने के द्वारा आशीष दें। पवित्र आत्मा इस वचन को आपके जीवन में जीवित करें। आमीन। आइए अपना सर झुकाएं और हम सब प्रभु की आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।